कुछ नहीं छुपाया यार। तेरे को सरप्राइज देना था। ये ब्रांड न्यू लग नहीं रही तेरे को? पूजा वगैरह करवा दिया। सो गाइस, आज इस बाइक पे मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ कि बाइक की जो स्पीड है, पिकअप है, वो सारी बढ़ चुकी है। हमारी बाइक तो कुछ अलग लगती है। और ये तो पीछे कर, ये क्या, ये क्या अलमारी है कोई? अब तू अपने वो रख दिया ना, गिनी रेस मत दे, डर लग रहा है क्या वो? आराम से लगी, जोर से दर्द हो रही है क्या जोर से? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। सो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि होने वाली है ड्यूक 390 के ऊपर, जो कि हमारे जानू भाई ने लिए, क्योंकि जानू भाई से तुम्हारा भाई कल बाइक लेके आया था, क्योंकि आपको पता है तुम्हारा भाई एक बाइक लेने वाला है। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ ये वाली जो ड्यूक 390 है, इसको लेकर भी मैं सांची के पास जाऊँ और इसको राइड वगैरह भी करेंगे। तो सांची से भी पूछूंगा कि वो इस बाइक के बारे में क्या सोचती है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बाइक है जो तुम्हारा भाई ले सकता है। आपको तो पता ही है भाई, जो नई वाली ड्यूक 390 है, उसकी लुक भी अलग है और परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, देन वहां से निकलेंगे सीधा डायरेक्ट सांची के पास। तो गाइस, देख सकते हो ये लगी है जानू की बाइक, और देख सकते हो भाई जानू की है, यहाँ पे लिखा भी है जानू स्टंट्स। सो गाइस, आज इस बाइक पे मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ और इस बाइक पे जाने वाले मैं और सांची एक राइड पे, क्योंकि यार ये बाइक जो है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कर दी है और इसमें इतने ज्यादा फीचर है, सारे आपको बताने वाला हूँ। और गाइस, ये देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट ही निकाल दिया, मतलब कॉस्ट कटिंग भी करी है, लेकिन उसकी वजह से भाई फायदा ये हो गया कि बाइक की जो स्पीड है, पिकअप है, वो सारी बढ़ चुकी है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सांची के पास, ठीक है? तो देखते हैं सांची इस बाइक के बारे में क्या बोलती है, क्योंकि भाई जो भी बाइक लूंगा सोच समझ के लूंगा, ताकि उसमें मैं और सांची कंफर्टेबल होकर कहीं लॉन्ग ट्रिप में जा सके और रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फटाफट अभी तुम्हारा भाई यहाँ से निकलने वाला है, और भाई इसका एक बार मीटर चेक करो, ये देख रहे हो भाई, इसका मेरे को मीटर ना बहुत सही लगता है भाई, पूरा ना ड्यूक 1290 की तरह लगता है भाई ये मीटर, देख रहे हो कितना ब्रॉड कर दिया हुआ है, मतलब बिल्कुल स्क्वायर में कर दिया हुआ है। ओ भाई साहब, सो गाइस सच बता रहा हूँ, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये बाइक मेरे को इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ना, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह सकते हो इसको भाई। इसकी पिकअप भी बढ़ा दी हुई है, इसकी टॉप स्पीड भी बढ़ा दी हुई है, और बाइक इतनी ज्यादा लाइट वेट भी हो गई है, और इसका भाई क्विक शूटर क्या काम कर रहा है देख रहे हो। इसकी ब्रेकिंग भी इतनी ज्यादा स्मूथ है भाई, स्टॉप ही बच जाती है। और इसमें गाइस आपको मैं बताऊं, इसमें काफी ज्यादा मोड़ दिए हुए हैं, आपको मैं बताऊंगा। पहले यहां से निकलते हैं, चलते हैं सांची के पास। यहाँ भाग रही है। सो गाइस, मैं ना सांची की गली में आ चुका हूँ। जैसे यहाँ पे आया तो मेरा दिमाग काम किया कि मैं बाइक छुपा देता हूँ, पहले सांची को बोलूँगा कि मैंने बाइक ले ली है ये वाली। बट यार मुझे पता है, नाम देख के उसको पता चली जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बेवकूफ़ी बना लेंगे उसे। तो बाइक यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है? अब मैं सांची को फ़ोन करूँगा और उसे बुलाऊँगा। क्या क्या कुछ नहीं छुपाया यार, तेरे लिए एक सरप्राइज है, आ बताऊँ क्या? आ तो सही पहले, कैसी लग रही है? ले ली है मैंने, ब्रांड न्यू ली है। तेरे को सरप्राइज देना था, सच बोल रहा हूँ क्या? तेरे को यकीन नहीं है तो किसकी है फिर? ये दिख नहीं रही है, ब्रांड न्यू लग नहीं रही तेरे को? पूजा वगैरह करवा दिया? ओ यार, मैंने इसलिए लाई क्योंकि देख, तूने अभी तक ये बाइक देखी नहीं थी और ना मैंने ये इतनी अच्छे तरीके से चलाई है ज़्यादा, ठीक है? तो अगर हम बाइक लेने ही वाले हैं तो सोच समझ के लेंगे ना। ये भी नहीं आई है, सुंदर है ना ये जो बाइक है ना, इसकी एक चीज़ दिखाऊं, बैठ बाइक पे तुझे मैं बताता हूँ। तू बैठ तो सही, सच बोल रहा हूँ, एक बार बैठ के देख कि हम दोनों के लिए तो परफेक्ट है। खड़ी तो कर बाइक। सो गाइस, ये देखो पैर लगा, वो देखो, देख रहे हो गाइस सांची के ना पूरे पैर लग रहे हैं, ये देख रहे हो। अभी तो इसने हील भी डाली है, तब भी काफ़ी छोटी लग रही है ना, ये देख बहुत ज़्यादा मोड़ है इसमें। तो मैं आज इसलिए ये लेके आया हूँ कि आज ही चलाएंगे, तो देखते हैं अगर हम बाइक लेंगे तो लॉन्ग राइड पे भी तो जाएंगे ना। दो बाइक्स में से एक चूज करनी पड़ेगी। हाँ वही तो है, तो तभी मैं ये लेके आया हूँ कि इसको आज इस पे प्रॉपर एक व्लॉग बनाएंगे, चलाएंगे और देखेंगे। आज सीधा चलें, बहुत टाइम हो गया सीधा नहीं गए, चलें। सो गाइस, अभी हमारा प्लान बन चुका है, अभी हम जा रहे हैं सीधा वाली साइड। तो आज तेरे को भी दूंगा चलाने के लिए, क्योंकि सीखनी तो तू नहीं है ना बाइक, फिर चले। सो गाइस, अभी फाइनल हम दोनों निकल चुके हैं और आ चुके हैं सिटी वाली साइड। बस यहाँ से हमें लगने वाले हैं 10 मिनट, मतलब वो तो मुझे लगेंगे 10 मिनट, आपको पता है कैसे पहुंचाऊंगा मैं, ये देखो ये। सो गाइस, देख सकते हो आ चुके हैं भाई हम सिद्रा वाले फ्लाईओवर में, और भाई क्या कड़कती बड़कती धूप निकली हुई है यहाँ पे। पर थोड़ी बाइक दौड़ाते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ी दौड़ाएं सांची, पकड़ो जरा थोड़ी सी बाइक दौड़ाते हैं। एक तो सांची ने गाइस हेलमेट ही नहीं लाई है यार, इसको पता भी होता है बाइक पे जाना है, हेलमेट ही नहीं लेके आती है। चलो गाइस थोड़ी दौड़ाते हैं। साहब स्मूथ एज फक,
अभी हम है कुछ ऐसी लोकेशन में, ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत बाइक के बारे में बता दूं, अगर आप बोलो, बता सकता हूं ना मैं अपने ऑडियंस को? सो गाइस देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसके जो शॉकर है ये एडजस्टेबल है, देख सकते हो। ये तो पीछे कर, ये क्या अलमारी है कोई, यहाँ पे तुमने वो रख दिया रबड़ क्या कर रही है यार। सो गाइस ये देख सकते हो, शॉकर इसके एडजस्टेबल है, ठीक है। ये देख सकते हो ऊपर और नीचे शॉकर को आप कर सकते हो, उसके बाद इसका एबीएस भी ऑफ कर सकते हो। वैसे ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। ये मतलब पीछे से कुछ ऐसे लगती है, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें काफी सा, सांजी तू भी आ जा भाई, तेरे को भी पता होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज ले बाइक की, ठीक है। हाँ नहीं तो। सो गाइस ये देखो, मैं आपको बताता हूँ इसमें मोड्स, ठीक है। ये आ गया राइड मोड, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन से मोड है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड, रेन मोड। अब आ जाते हैं एबीएस में, एबीएस में भी देख सकते हो सुपर मोटो मोड, जिसमें आपका पिछला एबीएस ऑफ हो जाता है। और ये आ जाता है रोड मोड, जिसमें आपके दोनों एबीएस वर्क करते हैं। और भी गाइस देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा मोड है, लॉन्च कंट्रोल भी है इसमें। कहने का मतलब ये फीचर बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। आपको पता ही होगा, आप थोड़े बहुत नेट में भी देख सकते हो, जो आपको जानना हो। बैठना एक सेकंड बैठना, थोड़ा आइडिया देना ऑडियंस को यार। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा कर दी हुई है, और हाइट मतलब सीट नीचे कर दी हुई है, जिस वजह से आपके पूरे पैर लग सकते हैं। और अगर आपका इसमें हाथ बैठ गया ना, तो ये देख सकते हो भाई तुम्हारा भाई लीन कहाँ कहाँ तक मार के आया, पूरे यहाँ तक मार के आया तुम्हारा भाई लीन, ठीक है। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, चले आगे चले, देखो आगे दूंगा चलाने के लिए, जहाँ पे मैं हर बार देता हूँ। वो टाइम हो गया तूने बाइक भी नहीं चलाई है, और वहाँ पे भी नहीं गया हम, ठीक है। निकले यहाँ से, चलो जल्दी चलो, हाँ जल्दी जाना। सो गाइस अभी फिलहाल यहाँ से फिर से निकल रहे हैं। देखो गाइस मुझे पता है सांजी ने बाइक में से मांग लेनी है, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, है ना, क्या फायदा, आपको देनी पड़ेगी। चल बैठ। सो गाइस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं पहले गियर में कितनी जाती है। ओहो 80 104। बस भाई बस, मतलब फोर्थ गियर में 129 जा रही है भाई। फाइनली ये देख सकते हो कौन सी लोकेशन है, पहचानते हो इस लोकेशन को? एक टाइम था जब इस लोकेशन में तबाही मचाते थे हम, समझते हो ना, स्टंट्स वगैरह। अब बंदी कर दिए भाई मारना, और यहाँ पे काफी टाइम के बाद मैं आया हूँ सांची को लेके। ओह माय गॉड, अपनी बाइक होती मैं स्टंट वगैरह जरूर मारता, बट बाइक नई बाइक है तो इसमें हम कोई बकचोदी नहीं करेंगे। एक दिन जरूर मारूंगा। किसको मारेगी? विली मारेगी। विली का नाम मतलब यार, मतलब विली का नाम येलो डॉलर हो जाता है यार। ब्लॉग पता है कैसे चलाते हैं, ऑन करो जरा, ऑन करना तो आपको आती है। अच्छा गियर, पहला गियर तो डाल, ये न्यूट्रल है, ये देख एन का मतलब होता क्लच दबा, और स्टैंड ऊपर एक आ जाना, स्टैंड नहीं किया होगा, ए अभी किया तूने स्टैंड ऊपर। चल पहला गियर डाल, ये स्टैंड में बंद हो जाती है, स्टैंड में गियर में ऑन नहीं होती है। आराम से यार, नहीं करो यार, वेरी नाइस, बेइज्जती करा रही है। मैं कट ही नहीं करूंगा वीडियो, ये मैं डालूंगा। रेस देना तुझे, देख ये रास्ता देख, ये देख गाइस चढ़ाई है। रेस, ओए आराम से, रुक जा, इस तरफ मत जा, रुक जा, क्लच दबा दे। चल आराम से आने दे, रेस हल्की सी रेस, आराम से, मैं नहीं हटूंगा, पावर ज़्यादा की नहीं। बाइक देने में गाइस को डर ही लगता है मेरे को, क्यों क्या, ना हेलमेट है ना कुछ है, सुपर बाइक की बात अलग है ना, सुपर बाइक तो चला लेती है। आराम से। सो गाइस ये देख रहे हो यार, मेरे को पहले पीछे बिठा दे, मैं पहले पीछे बैठता हूँ ना, ठीक है, फिर मेरे को बिठा के वहाँ से राउंड मार गया, फिर अकेले दूंगा, ठीक है। एंड तक चल। सो गाइस आ चुका हूँ सांची के पीछे, चल शाबाश, गियर डाल, सेम ही गियर है, वेरी नाइस। आराम से हो जा, स्कूटी आ रही है, क्लच गिन्नी में बोल रहा हूँ, आराम से हो जा, रेत में ब्रेक मारेगी क्या, अकेले में नहीं देता इसको, आगे से स्कूटी आ रही है रॉन्ग साइड से। ओ भाई ट्रक वाला कहाँ रहा है, इसने इधर ही आना क्या, नहीं भाई सारे टॉप और टॉप आते हैं इधर से, वेरी नाइस। गियर डाल दे, दूसरा डाल दे, हाँ गिन्नी दोनों हाथों से चलाए, क्या कर रही है ये भाई, ये चला तो लेती है गाइस, पर एक बार बताऊँ ये ब्रेके ब्रुके नहीं मारती है, मैंने देख लिया, क्लच दबा के ब्रेक मार, देख रहे हो मैं कहाँ पे बोला मैंने ब्रेक मारने के लिए, और कहाँ जाके ब्रेक मारी, मतलब देख ले। आपने मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि इधर रुक भाई, मैं तक बोला क्लच दबा के ब्रेक मार दे, और वहाँ पे बोला मैंने, और यहाँ पे ब्रेक मारी तूने। सो गाइस अभी ना सांची अकेला राउंड मार रही है, गिन्नी रेस मत दे, आगे वाली ब्रेक जोर से मत मारना, पहले बोल रहा हूँ मैं। डर लग रहा है,
क्या हुआ? क्या हुआ? नस पे नस चढ़ गई। कहाँ पे? मुक्के मार मुक्के मार। गाइस को नस पे नस चढ़ गई यार। ये पता क्यों होता है? कमजोरी से होता है। आराम से आराम से रुक जा, बैठ जा थोड़ी देर। खाना गाइस आपको मैं बताऊँ, घर का खाना नहीं खाती है, बाहर का खाती है खाली। गंद मन जो भी हो बाहर का खा लेती है। फिर बैठना बाइक पे, बैठ जा। ऐसे निकलना पड़ेगा क्योंकि भैया आए हुए थे। भैया ने बड़े प्यार से हमें समझाया कि भाई यहाँ पे ना नशेड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, ड्रग्स वगैरह वाले, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। अब भाई ये अब मैं लास्ट बार आया हूँ उस जगह पे, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस, कहीं और चलते हैं। सही है, मैंने सुना भी था, न्यूज़ में भी आया था ना, कुछ ड्रग्स वगैरह का सीन है यहाँ पे, तो लूटते हैं यहाँ पे ना लड़के वगैरह। एक अगर एक लड़का है और हम ऊपर से हम अकेले ही हैं, ठीक है। निकलते हैं यहाँ से, अगर भैया बोल रहे हैं सेफ नहीं है तो निकलते हैं गाइस। सो गाइस चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं कहीं और, ठीक है ना। एक तो इसको नस पे नस चढ़ गई गलत टाइम पे गाइस। सोचो अगर ये बाइक तेज चला रही हो और मैं पीछे बैठा हूँ, इसको नस पे नस चढ़ गई तो बाइक ही छोड़ दे। अभी मैं यहाँ से चलाएगी सांची, यहाँ से हाँ दो भाई, इसने बोलने भी नहीं दिया। ले सो गाइस यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ से जा ही रहे हैं वापस के लिए, तो क्या फ़ायदा। सांची ने बाइक क्या ही चलाई है, कुछ भी नहीं चलाई है। क्या चलाओ अब आगे तक, आप ही चलाओ। सो गाइस आ चुका हूँ फिर से सांची के पीछे, अब सांची चलाएगी बाइक। चल ज़्यादा आगे तक नहीं दूंगा। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कुछ बोली, सांची रेस दे दे, रेस तो दे हल्की सी, रेस रेस रेस। वेरी नाइस, वाह देख रहे हो गाइस। गाइस इस बाइक में ना कोई शिफ्टर है, फिर भी क्लच दबा के गियर दे दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाइस आराम से। यार देख रहे हो गाइस, मैं तभी तो आप लोग बोलते हो ना कि मानी भाई आप एक जगह जा रहे हो यार, कहीं आगे पीछे जा रहे हो। देखो यार दो तीन जगह हमारे जम्मू में है, और सिद्रा में आज मैं इतने टाइम के बाद आया और देख लो भाई क्या सीन हुआ। ये बाइक चला के बहुत कंफर्टेबल फील होता है, सांची भी कंफर्टेबल होकर बैठती है और मैं भी। तो अभी देखते हैं, और हो सकता है जो अप्रिला बाइक मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, लेने के लिए, तो अगर उसकी भी ट्राई मिल जाएगी तो बेटर होगा। आराम से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर उस बाइक की भी ट्राई मिल जाएगी तो प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें सब कुछ पता चल जाएगा दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है ना। हाँ मतलब कंफर्टेबल लगी तेरे को? आराम से चल रही है, स्मूथली है ना, मतलब कोई ज्यादा वो नहीं करना पड़ रहा कि रेस की करो वो करो। ओके चलो उतरो फिर, बहुत हो गया। उतरो भाई चलते हैं। सो गाइस मैं भी ये देखूंगा कि अभी जैसे हम इस बाइक में बैठे हैं इसको चलाया, ठीक है, अब जो मेरी वाली ड्यूक है उसमें बैठेंगे और फील करेंगे, और सांची से भी पूछूंगा कि देखो इसमें क्या मतलब कुछ अलग लग रहा है। देखो पावर का बोल सकते हैं क्योंकि ये बाइक नई भी है और स्मूथ भी है, ठीक है, बट कंफर्टेबल मुझे लगता है वो हमारी वाली ड्यूक है, वो भी कंफर्टेबल ही है। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं जानू के घर पे। देख सकते हो भाई हमारा ऑगी ले लिया हुआ है हमने, और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, आगे चल के हम रुकने वाले हैं। ओहो भाई अपना होगी तो भाई कुछ अलग ही है यार। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं घोड़े में बैठा हूँ। ये काफ़ी ऊंची है, यहाँ मेरे को अप्रिला वाली बाइक लेनी चाहिए, RS 457, या लेनी चाहिए ड्यूक नई वाली। आप लोग कमेंट करके बता देना आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ हमारे लिए सही रहेगी। तो ये है हमारी ऑगी, ठीक है भाई। यार अपनी तो मतलब एक एक चीज़ अपनी आंखों के सामने सोच समझ के मॉडिफाई करवाई है। हमारी बाइक तो कुछ अलग लगती है, और वैसे भी आपको पता ही है J&K की इकलौती बाइक है जिसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक लगी है, वो भी वर्किंग में। आप सोच रहे होंगे कि मानी भाई हर बार ये क्यों बताते हैं, भाई बहुत टाइम लगा इस चीज़ को और बहुत पैसे लगे हैं, ठीक है। ये जो ब्रेक है ना, खाली एक उंगली से ऐसे करोगे ना स्टॉप भी बच जाएगी। देख ले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, सीधा घर पे चलते हैं मेरे, ठीक है, वहाँ पे व्लॉग एंड करेंगे और कल के व्लॉग की भी बात करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर जो हमने करना है। ओके नहीं नहीं कर, नहीं कर क्या कर रही है, पागल हो गया, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस चलो क्या हाँ हेलमेट बना लेना इसको, है ना, ट्रैफिक वालों ने इसी के ऊपर मुक्का मारना ना, सीट कॉल दिमाग में आ जाएगा तेरे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।